के फैन है, पर आज सलमान खान सर के भी हो। एक्शन सेम कॉपी किया है फास्ट एंड फ्यूरियस का, बट फॉर एसआर के लवर सलमान भाई की एंट्री और शाहरुख भाई की एंट्री तो बवाल थी। सलमान सर भी है तो ऑब्वियसली। दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते ही हैं कि भारत में पठान मूवी में एक सीन के चलते जमकर बवाल काटा जा रहा है, चारों तरफ बायकॉट बायकॉट चिल्लाया जा रहा है, और हो भी क्यों ना, इसको हिंदू धार्मिक आस्था की बदसलूकी से जोड़कर राजनीति जो की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जनता द्वारा इतना बवाल करने के बाद भी इस मूवी की टिकट जबरदस्त तरीके से बुक हो रही है। जी हाँ, जिसमें कोई शक नहीं है कि मूवी फ्लॉप होने के बजाय अब कमाई के रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। पठान मूवी का प्रमोशन शाहरुख खान काफी जोरों से कर रहे हैं। लगभग 5 साल बाद बॉलीवुड के बादशाह बड़े पर्दे पर नजर आए हैं। उनकी आखिरी मूवी जीरो थी, जिसमें शाहरुख खान के साथ लीड रोल में कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा ने भी काम किया था। हालांकि यह मूवी फ्लॉप रही थी, लेकिन अब लंबे समय बाद शाहरुख खान की पठान मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी के रिलीज होने से पहले काफी सारे विवाद हुए। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर बायकॉट मूवी का ट्रेंड भी चला। पठान मूवी का पहला गाना बेशर्म रंग के रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया। भैया, फिल्म के ऊपर अश्लीलता का आरोप लगा। कई जगहों पर लोगों ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के ऊपर अश्लीलता फैलाने, भगवा रंग का अपमान करने के आरोपों में केस भी दर्ज कराया। ऐसे में दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, जिस फिल्म को बनकर तैयार होने में 5 साल लग गए और इसे बनाने में 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, इतना विरोध होने के बाद क्या ये फिल्म अपनी पूरी लागत भी निकाल पाएगी? आखिर इस फिल्म के रिलीज होने को लेकर लोग इतना भड़के क्यों हुए हैं? जानेंगे इसके बारे में सब कुछ विस्तार से, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पठान मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इसमें आपको शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम बतौर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर विवाद अचानक तब शुरू होता है जब पठान मूवी के बेशर्म रंग गाने में दीपिका पादुकोण भगवा रंग का बिकनी पहनती हैं। ऐसे में दोस्तों, बेशर्म रंग के साथ भगवा रंग का बिकनी दिखाना लोगों को काफी गलत लगा। इससे धार्मिक लोगों के भावनाओं पर काफी ठेस पहुंचा और पठान मूवी को बैन करने की मांग चलने लगी। सोशल मीडिया पर लोग पठान मूवी को बायकॉट करने लगे। हिंदू विश्व परिषद, करणी सेना, बजरंग दल और हिंदू महासभा जैसे बड़े बड़े संगठन पठान मूवी का विरोध करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान के ऊपर अश्लीलता को प्रमोट करने का भी आरोप लगा। मध्य प्रदेश के उलेमा बोर्ड का कहना है कि फिल्म पठान में शाहरुख खान अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि फिल्म में इस्लाम को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि पठान एक सम्मानित समृद्ध कम्युनिटी है, लेकिन शाहरुख खान पठान लोगों को फिल्म में गलत तरीके से दिखा रहे हैं। पठान मूवी को बायकॉट करने का तीसरा साइड ये भी है कि पिछले कई सालों से बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है। जगह जगह पर लोग सिनेमा घरों के बाहर पोस्टर और बैनर लगाकर पठान मूवी के प्रति विरोध दर्ज कर रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट का कहना है, पठान मूवी में हिंदू धर्म के आस्था को चोट पहुंचाया गया है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर आगरा में फिल्म का शो नहीं चलने देंगे। दोस्तों, इसी बात को लेकर देश में जगह जगह पर पठान को लेकर विरोध चल रहा है। फिल्मों को न रिलीज करने के लिए कई जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। फिर भी तमाम विरोधों के चलते फिल्म आज 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है भाई। हाँ, और रिपोर्ट्स की माने तो पठान पहले ही दिन लगभग 45 प्लस करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। तो वहीं अपने पहले वीकेंड में पठान मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 150 से 200 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। इन आंकड़ों को देखने के बाद तो भैया यही लगता है कि तमाम विवादों के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर पठान मूवी का डंका बजने ही वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग के मामले में कई बड़े फिल्मों का रिकॉर्ड तक तोड़ डाला है। जी हाँ, और रात मंगलवार तक इस फिल्म के ओपनिंग डे के लिए 8 लाख से ज्यादा टिकटें बुक हो चुकी थी। तो वहीं पहले सप्ताह के लिए अभी तक 10 लाख से अधिक टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि शाहरुख खान लगभग 5 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, जिसे देखने के लिए इनके एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। ऐसे में पठान मूवी का विरोध होने के बावजूद ये एक ऐसी हिंदी मूवी बन गई जिसके एडवांस बुकिंग में 5.5 लाख से ज्यादा टिकट बिके हैं। इस मामले में अभी भी बाहुबली 2 हिंदी डब टॉप पर बना हुआ है और बाहुबली 2 के एडवांस बुकिंग में 6.5 लाख टिकट बिके थे। तो वहीं KGF 2 की 5.15 लाख एडवांस टिकट बुकिंग हुई थी। फिल्म पठान यशराज बैनर तले बनी बिग बजट मूवी है जो 250 करोड़ रुपए की लागत में बनी है। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। तो वहीं दीपिका पादुकोण ने भी इस फिल्म को करने के लिए 15 करोड़ और जॉन इब्राहिम ने 20 करोड़ रुपए लिए हैं।
पठान मूवी यशराज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स फ्रेंचाइजी का एक हिस्सा है। इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ कैमियो रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। ये दोनों इस फिल्म में टाइगर वाले मूवी के किरदार में नजर आएंगे। ऐसे में इस फिल्म को देखने के लिए शाहरुख खान के फैंस के साथ साथ सलमान खान के फैंस भी उतावले हो रहे हैं। लेकिन तमाम विवादों के बीच सवाल ये उठता है, क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं? आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो पब्लिक रिएक्शन भी लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। सेम कॉपी किया है फास्ट एंड फ्यूरियस का, बट फॉर एसआर के लवर सलमान भाई की एंट्री और शाहरुख भाई की एंट्री तो बवाल, उन्हें तो एक बार देख लेनी चाहिए मेरी तरफ से, फिर उन्हें खुद ही उनकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। जिसमें पब्लिक द्वारा फिल्म को काफी सराहना मिल रही है, जिसमें फिल्म को देखने वाले लोग शाहरुख खान और सलमान खान के कैमियो रोल की तारीफ कर रहे हैं। थिएटर में शाहरुख खान की पहली एंट्री पर प्रशंसक जमकर सीटी बजा रहे हैं, तो वहीं फिल्म में विलन का रोल निभा रहे जॉन इब्राहिम के एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हो रही है। पठान मूवी को देखने के बाद समीक्षक फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस दौरान पठान के जिस गाने पर विवाद हुआ था, उस पर ही दर्शकों ने जमकर प्यार लुटाया। बेशर्म रंग गाने में दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग पर खूब हंगामा हुआ था, जो अभी तक जारी है, पर थिएटर्स में फैंस गाने का लुफ्त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंड एनालिस्ट और फिल्म समीक्षक सुमित कटेल ने पठान देखने के बाद फिल्म को 5 स्टार्स दिए हैं। उन्होंने ट्वीट में पठान मूवी की तारीफ की है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, पठान और टाइगर ने हलचल पैदा कर दी है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन सीक्वेंस में से एक है। सिनेमा घर स्टेडियम में बदल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये पठान मूवी की जानकारी? इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।